लोकसभा चुनाव से पहले देश में तरह तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन जहां बिखरता दिख रहा था, तो वहीं अब विपक्षी दल एक होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को जहां सपा और आपका साथ मिला, तो वहीं अखिलेश राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की संसदीय सीट पर बड़ा खेल हो गया। केरल के जिस वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं, वहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता एनी राजा को चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है। आपको बता दें कि सीपीआई केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन भागीदार है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की सीट से पन्नियन रविंद्रन चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सीपीआई केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन भागीदार है। केरल के जिस वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं, वहां भी INDIA गठबंधन लड़खड़ाती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एनी राजा को महत्वपूर्ण वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया गया है। वर्तमान में यह सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास है। वहीं पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। यह एक अन्य महत्वपूर्ण सीट है जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर करते हैं। यह घोषणा पार्टी के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री VS सुनील कुमार, त्रिशूर और पार्टी की युवा शाखा AIYF के नेता CA अरुण कुमार को मवेलिक कारा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर एनी राजा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से LDF गठबंधन के तहत CPI 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार भी पार्टी ने इन सभी 4 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। केरल में लड़ाई LDF और UDF के बीच है, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। स्थिति वही है और कुछ भी नहीं बदला है। राज्य की त्रिशूर सीट से पूर्व कृषि मंत्री VS सुनील कुमार और मावेली कारा से भाकपा से संबद्ध ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेता CA अरुण कुमार भाकपा के प्रत्याशी होंगे। INDIA में शामिल भाकपा ने नया विवाद पैदा करते हुए कांग्रेस से ये बताने को कहा है कि क्या राहुल को केरल से ही चुनाव में उतारने की आवश्यकता है, उत्तर भारत से नहीं। विश्वम ने कहा कि राहुल के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है और उन्हें देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में भाकपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस से कहा था कि चूंकि उनकी पार्टी INDIA में शामिल है, इसलिए कांग्रेस नेता राहुल को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम दलों के गठबंधन के कड़े विरोध के बाद भाकपा ने अपनी बात वापस ले ली थी, लेकिन सोमवार को ये मुद्दा एक बार फिर उभर गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के आगरा में पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान सपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। वहीं इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है, मुझे इस बात की खुशी है कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं और यहाँ पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि INDIA गठबंधन और PDA की लड़ाई NDA को हराने का काम करेगी। इस यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ये शहर पूरा मोहब्बत का शहर है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। BJP हटाओ, देश को बचाओ। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में BJP हारेगी। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा,
गरीब किशोर जिनको हाँ सम्मान मिलना चाहिए, कितने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ और रस्सी हराओ, भाजपा हटाओ। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, आज सरकार के खिलाफ किसान खड़ा है, किसानों की ताकत से सरकार घबरा गई है, आने वाले समय में भाजपा हटेगी और INDIA गठबंधन की सरकार किसानों को सम्मान दिलाएगी, नौजवान अपनी डिग्री जलाकर आत्महत्या कर रहा है, कोई भर्ती ऐसी नहीं सरकार की जिसमें पेपर लीक न हुआ, ये जानबूझ कर सरकार करती है क्योंकि वो रोजगार नहीं देना चाहते। हम सब लगाते हैं जय जवान जय किसान, और बीजेपी के लोग थकते नहीं भारत माता की जय बोल करके। सोचो जिस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य न हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार न हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक ना होता हो, ये कमाल की सरकार है। इसमें लीक होते हैं पेपर और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। आपको बता दें कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के ऐलान के बाद राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव एक मंच पर पहली बार नजर आए हैं। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी जिसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो गया है। इन सीटों के नाम भी कांग्रेस ने साफ कर दिए हैं, वहीं बची हुई सीटों पर कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी। एक तरफ जहां यूपी में इंडी गठबंधन फिर से जुड़ती हुई नजर आ रही है तो वहीं वायनाड सीट पर राहुल के साथ हुए खेल ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में क्या इंडी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट हो पाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।